कि तेजस्वी जी आप दुबई में हैं, दुबई में प्रीपेड मीटर लगा हुआ है, धरना दीजिए, उपवास करिए, मौन व्रत करिए, लेकिन अगर प्रीपेड मीटर गलत है तो बिहार के लिए अगर गलत है तो केरला के लिए सही कैसे हो जाएगा? और आप बिहारी हैं कि नहीं, यह जांच हो रहा है। चूंकि बार बार ये सवाल करके बिहार के लोगों को अपमानित किया जाता है, 100% घरों में लगा हुआ है तो क्या बिहार के रहने वाले, तेलंगाना में रहने वाले, क्या उन लोगों को प्रीपेड का सामना करना पड़ रहा है? क्या उनकी पीड़ा आपकी पीड़ा नहीं है? जरा जवाब दीजिएगा तेजस्वी यादव जी। लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं तो हम माननीय तेजस्वी यादव जी को यह कहना चाहते हैं, जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि तेजस्वी जी आप दुबई में हैं, दुबई में प्रीपेड मीटर लगा हुआ है, वहां गैस के संचरण के लिए जो हम लोग खाना में जिसका इस्तेमाल करते हैं वह भी प्रीपेड है, तो सच को दिखाइएगा ना। अब आप दुबई से आइएगा, वहां के ट्वीट से तो जानकारी मिल रही है, तो ट्वीट वहां जाइए, वहां है दुबई में मीटर को उखाड़ लीजिए और डेमो लाकर दिखाइए इस बिहार के अंदर में कि जिस हम प्रदेश की चिंता नहीं करते, हम विदेश में भी प्रीपेड मीटर लगा हुआ है तो उसको उखाड़ करके हमने फेंक दिया। और आप बिहारी हैं कि नहीं, यह जांच हो रहा है। चूंकि बार बार यह सवाल करके बिहार के लोगों को अपमानित किया जाता है, मेरी बात को अन्यथा मत लेंगे साथियों, कि बिहार के लोग तो पलायन कर गए हैं, बिहार का लोग केरला के अंदर रहता है, बिहार के लोग पश्चिम बंगाल में रहता है, बिहार के लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं। पलायन नहीं, हम बोझ नहीं है किसी के, हम बोझ उठाने वाले लोग हैं। तो हम तेजस्वी यादव जी से जानना चाहते हैं कि तेलंगाना में बिहारी प्रवास करता है तो प्रीपेड मीटर वहां 100% है, 100% सितंबर 2024 का ये डेटा है, 100% घरों में लगा हुआ है तो क्या बिहार के रहने वाले, तेलंगाना में रहने वाले, क्या उन लोगों को प्रीपेड का सामना करना पड़ रहा है? क्या उनकी पीड़ा आपकी पीड़ा नहीं है? जरा जवाब दीजिएगा तेजस्वी यादव जी। राजस्थान 98%, पंजाब, और जिस समय तेलंगाना में लगा होगा उस समय तो इंडी गठबंधन के लोग होंगे, मैक्सिमम अचीवमेंट उस समय का हुआ होगा, 3-4 महीने में तो इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं 100% का हो जाएगा। पंजाब 76%, जहां जेल से सरकार चलाने वाले लोग हैं। तमिलनाडु 92%, जन्मदिन मनाने जाते हैं और वहां बिहार के लोग रहते हैं, उसकी चिंता आपको नहीं है। लाल झंडा वाले केरला के अंदर 100% घरों में लग गया प्रीपेड मीटर। ये राजनीति की जुबान खामोश क्यों हो जाती है? इस सवाल का जवाब बिहार की जनता को दीजिए। ये तमाम राज्यों के आंकड़े जो हम आपको भेज देंगे, उन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि बिहार न पहला राज्य है न बिहार अंतिम राज्य है। लेकिन जिन राज्यों में बिहारी रह रहे हैं, अगर प्रीपेड को आप गलत मानते हैं तो बिहार वंशी होने के नाते क्या यह आपको अधिकार, क्या यह दायित्व तो नहीं बनता है कि जहां इंडी गठबंधन की सरकार है, छोड़ दीजिए एनडीए की सरकार, जहां इंडी गठबंधन की सरकार है वहां भी जाकर के धरना, कि जहां इंडी गठबंधन की सरकार है, छोड़ दीजिए एनडीए की सरकार, जहां इंडी गठबंधन की सरकार है वहां भी जाकर के धरना दीजिए, उपवास करिए, मौन व्रत करिए, लेकिन अगर प्रीपेड मीटर गलत है तो बिहार के लिए अगर गलत है तो केरला के लिए सही कैसे हो जाएगा? वो बंगाल के लिए सही कैसे हो जाएगा? वो तमिलनाडु के लिए सही कैसे हो जाएगा?
वह पंजाब के लिए सही कैसे हो जाएगा? हे ज्ञानवान माननीय तेजस्वी यादव जी, बताइए बिहार की जनता को। और दुबई से आइएगा तो डेमो जरूर करिएगा, मीटर उखाड़ लीजिए दुबई में, ला करके यहां दिखाइए मीडिया के लोगों को, देखो हम उखाड़ के लाए हैं। हम विदेश यात्रा में गए थे, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ कि दुबई में प्रीपेड मीटर हमारे आंख के सामने, ये मंजूर हम कर लेंगे? ये बिहारी होने के चलते मेरा राजनीतिक पुरुषार्थ ही कम हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि दुनिया के विभिन्न देशों में एक दुबई भी है जहां प्रीपेड मीटर लग चुका है।